हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सिक्सटीन ऑफ जुलाई 2020 तो so 16 जुलाई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़पेपर है आज का मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज आइटम्स भी हैं और बहुत अच्छे डिटेल्स भी आए हैं आज एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट दोजू वॉन्ट टू जॉइन द यूपीए सी रिवीजन सीरीज दे कैन जॉइन ज्वाइनस फ्रॉम द लिंक्स के द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो इसके अलावा हमारे सी साइड चैनल की लिंक भी नीचे है तो आप वहाँ से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं

ट्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज तो कार टी थेरेपी इनमें से किसको ट्री, ट्री, ट्रीट करती है ऑप्शन सर ए ट्यूबर क्लासेस बी कैंसर सी एड्स या डी न करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी कैंसर बी कैंसर इसको कैंसर को ठीक करते हो अभी रिसेंटली 11 साल के एक बच्चे के ऊपर कार टी थेरेपी का यूज किया गया था ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दिस कार टी थेरेपी इट्स अ इम्यूनि थेरेपी दैट यूजेज द बॉडीज ओन सेल्स टू फाइट कैंसर तो कार टी इज पर्सन पर्सनलाइज फॉर्म ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट कार टी इज बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट ठीक है ना लेट्स मूव अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन द रेंके कमीशन द इडाटे कमीशन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड द फॉलोइंग तो रेंके कमीशन और इडाटे इडाटे कमीशन ये किसके साथ डील uh, करते हैं ए ऑप्शनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स b four our approach in banking c artificial intelligence d disaster response so which of the following is correct answer the correct answer for this is a d notified and nomadic tribes a will be the answer so government of india set up this committee under niti ayog to complete the task of identifying denotified nomadic and semi nomadic communities not yet formally classified the rainke commission rati commission had has alone commendable work to identify and list these कम्युनिटीज़ तो ये आपका आंसर हो जाएगा सो दीज द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे आई होप यू वर्ट क्लैरिटी रिगार्डिंग दम नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट न्यूज so, एनालिसिस में अगर आपको देख रहा हो तो पहला जो न्यूज है वो जियो ऑफर्स 5G जी टेक टू डेवलप क्लीन चीप स्मार्टफोन्स विद गूगल तो जियो ने अब गूगल के साथ मिलकर के चीप 5G जी स्मार्टफोन बनाने के लिए वादा किया है और गूगल ने याद रखेगा तैतीस हजार सात सौ सैंतीस करोड़ में सेवन पॉइंट सेवन जो स्टेक्स हैं आपके जियो के अंतर्गत वो गूगल ने एक्वायर कर लिए है सेवन

फॉर द एडोप्शन ऑफ दिस फाइव जी टेक्नोलॉजी एंड जो टू जी फीचर फोन वाले लोग हैं उनको स्मार्टफोन तक लाना है फॉर देट रीजन जियो एंड गूगल है वुड पार्टनर टू डेवलप एंड एंट्री लेवल फोर जी और इवन फाइव जी स्मार्टफोन तो एंट्री लेवल फोर जी और फाइव जी फोन को डेवलप करने के लिए अभी ये गूगल और uh, uh, जो जियो है उन्होंने ये uh, किया है तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ट रिव्यूज द प्रोग्रेस ऑफ डिसंगेजमेंट टॉक्स एट एल एसी तो गवर्नमेंट रिव्यू कर रहा है प्रोग्रेस ऑफ द डिसंगेजमेंट टॉक्स एट एल एसी इसके लिए नाम जो एक इंपॉर्टेंट है देखो मैंने पहले भी कहा था कि चाइना और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है उसमें एक नाम आ रहा है द चाइना स्टडी ग्रुप तो इज दिस चाइना स्टडी ग्रुप सो चाइना स्टडी ग्रुप वॉज सेटअप इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी याद रखेगा 1976 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको एस्टेब्लिश किया था टू एडवाइस ऑन पॉलिसी इश्यूज रिलेटिंग टू चाइना देखो ग्रुप इन 1976 बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ठीक है ना तो बट ऑल एक क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछता है या स्टेटमेंट दे देता है कि ऑल द कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा सारी कैबिनेट कमिटीज प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता है दो कमिटीज ऐसी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमिटीज ऐसी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं नहीं करता है ठीक है ना तो कौन सी है? आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो थर्ड न्यूज इज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पुश ट्रेड टॉक्स तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है अपने ट्रेड टॉक्स को आगे बढ़ा रहे हैं नॉट दे आर कमिटेड फॉर अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशनटिल टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तो दे आर कमिटेड फॉर गेटिंग अ फ्रेमवर्क जो कि दो हजार पच्चीस तक तैयार हो जाएगा ऐसा दोनों ने कहा है एंड दे हैव वोड टू कॉपरेट ऑन दे रिस्पांस टू द कोरोना वायरस पैंडमिक एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है ना तो बेसिकली उन्होंने ये भी कहा है कि हम कोरोना uh, का जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा डेवलप करने वाले हैं सो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस न्यूज आइटम इसके अलावा इन न्यू इन न्यू इनिशिएटिव टू रिवाइव टॉक्स ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट हैव बीन सस्पेंडेड सिंस 2013 तो बेसिकली अभी मैंने कल भी आपको एक न्यूज आइटम में एक चीज बताई थी कि जो इंडिया और यू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको हम बोलते हैं बी बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जिसको बोलते हैं ओके बायलेट्रल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो एग्रीमेंट है बी बोलते हैं बी टी आई ए बायलेट्रल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट तो बी की बातचीत दोबारा से शुरू हुई है एंड uh, ये बेसिकली आपको याद रखना है कि बी uh, जो है वो इंडिया यू EU के लिए ही यूज होता है और किसी के लिए यूज नहीं होता तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इसको आगे बढ़ाना है इन दोनों का एम है सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इनके पॉसिबिलिटी भी है आगे हम आज डिस्कस करेंगे कि ई के साथ कितने पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम ही हम कर पा रहे हैं ठीक है ना सो देट दैट इज समिंगेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम दिस न्यूज आइटम पार्ट आगे मूव करते हैं एडिटोरियल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो देखो एक एडिटोरियल दो एडिटोरियल तीसरा एडिटोरियल और ये चार

स बग्सूक तो अब एक pest है जिसको दूर कर सकते हैं कुछ जैसे कि नाम आपको बता देता हूँ तो दो टाइप है जो कि इस समय एक इन्वेजिव स्पीशीज के ऊपर फीड कर रही हैं उस इन्वेजिव स्पीशीज का नाम क्या है उसका नाम है वूली वाइट फ्लाई याद रखेगा वोली व्हाइट फ्लाई जो की करेबियन ओरिजिन की एनिमी है इंडियन फ्रूट फार्मर्स की जो फ्रूट फार्मर्स इंडिया के उनका एनिमी वूली व्हाइट फ्लाई है ओके okay, वूली व्हाइट फ्लाई बोलते से, तो वूली व्हाइट फ्लाई को एंड करने के लिए इंडिजिनस बक्स है दो लेडी बर्ड बीटल्स के जो कि इस समय उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं अभी जो व्हाइट फ्लाई है वूली व्हाइट फ्लाई है इसका साइंटिफिक नेम है एल्यूरो फ्लोकस फ्लोकोस एल्यूरोगस है पोलीफेगस इन्वेसिव स्पेशीज है पोलीफेगस मतलब एक ऐसा क्रिएचर जो फीड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स पे ओके okay? एक ऐसा क्रिएचर जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स पे फीड करता है तो यह आपको याद रखना है कि व्हाइट फ्लाई है एल्यूरोस फ्लोकोसस एक इन्वेजिव पोलीफेगस है पोलीफेगस मतलब फीडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड तो ये फ्रूट फार्मर्स का फूड तो फ्रूट फार्मर्स का ये दुश्मन था कैरिबियन ओरिजिन का है ये। अब दो इंडिजिनस हमारे प्रिडेटर्स है जिसको लेडी बर्ड बीटल्स की लेडी बर्ड बीटल्स ऑफ द कोकिने लीडे फैमिली कोकिने लीडे फैमिली का एंड दूसरा ग्रीन लेस विंग फ्लाई है जो कि न्यूरो न्यूरोप्टेरा ऑर्डर की है uh, Neurop, तो न्यूरोप्टेरा ऑर्डर का ग्रीन लेस विंग फ्लाई और लेडी बर्ड बीटल ऑफ द कोकिने कोकिने लीडे फैमिली की तो ये आपको याद रखना है कि दे हैव बेसिकली फीड अपॉन दिस वाइट फ्लाई इस वाइट फ्लाई के ऊपर वो फीड कर रहे हैं बेसिकली दैट इज ये इन्फॉर्मेशन आईसीएर ने दी यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ने दी है तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ एंड एजुकेशन है आईसीएर बना था सिक्सटीन जुलाई ट्वेंटी को है ना इसके पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते थे इट वॉज नोन एज एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडियन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च याद रखेगा फिर से रिपीट कर देता हूं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर आता है डेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर है हुआ था फार्मी जुलाई नाइन को हुआ था जुलाई आईसीएर को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहलाता था हेडक्वार्टर न्यू डेली में है इट इज द्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग गाइडिंग एंड मैनेजिंग द रिसर्च एंड एजुकेशन इन द एग्रीकल्चर फील्ड ओके और इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्राज भी हैं विच आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम कृषि

अनसर्टिनिटी ओवर विश्व भारती पेज स्टाफ तो यहां पे बेसिकली ये है कि विश्व भारती ने अपने स्टाफ की पेमेंट जो कि रोक रखी थी जून मंथ की उसको पे कर दिया है अब यहां पे विश्व भारती के ऊपर लिखा कि विश्व भारती इज नॉट अ स्टार्टअप या कोई कंपनी नहीं है जिसका सर्वाइवल उस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना रेवेन्यू हो रहा है इट्स अ गाइगेंटिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाई रविंद्राथ ट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था नाइनटीन ट्वेंटी वन जिसका चांसलर खुद प्राइम मिनिस्टर होता है याद रखेगा दांसलर ऑफ विश्व भारती जिसको के सेटअप किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में उसका चांसलर खुद प्राइम मिनिस्टर होता है ही हिमसेल्फ इज द प्राइम मिनिस्टर इज हिमसेल्फ द वाइस चांसलर ऑफ विश्व भारती याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको 1921 में बनाया था विश्व भारती को तो इन्होंने फाइनली स्टाफ की पेमेंट कर दी है ठीक है तो आगे मूव कर सकते हैं हम देखते हैं अगला न्यूज़ आइटम क्या है सो यू कैन सी इट हियर इंडियाज पॉपुलेशन में पीक बाय 2047 तो इंडिया पॉपुलेशन में पीक बाय 2047 एट द करंट रेट जो करंट रेट चल रहा है इंडिया की पॉपुलेशन का तो दो हजार सैतालीस में जो पीक पॉपुलेशन रहेगी वन बिलियन के आसपास रहेगी फिर वो डिक्लाइन करेगी 1.03 बिलियन बाय 2100 और उसके बाद जब ये सब चीज होगी ठीक है ना अगर ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एस डी जी टारगेट्स अगर ये अचीव करना चाहता है तो फिर इसकी पॉपुलेशन 1.03 तक ना घटके नाइन ट्वेंटी मिलियन भी हो सकती है तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट कि अगर हमारी ग्रोथ रेट होती है तो यू ने ऐसा बताया अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ बताता हूँ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली उसके तीन मेन एम है इंडिया में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जैसे कि ये क्या काम करना चाहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ इन्वायरमेंट एंड एनर्जी स्ट्रेंथनिंग सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन

कुछ इनोवेटिव जो चैलेंजेस हैं इंडिया के वो फेस करने के लिए यू एन डी पी की एक्सेलरेटर लैब बनाई गई है तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यू एन डी पी के रिगार्डिंग दे दी आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है तो इंडीजिनस वैक्सीन फॉर निमोनिया गेट्स नॉड इंडीजिनस वैक्सीन बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में लोकेटेड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में लोकेटेड है याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है ये पुणे में लोकेटेड है इसने इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फुल्ली इंडीजिनसली डेवलप्ड कॉन्जुगेट वैक्सीन जो निमोनिया के लिए डेवलप की गई है कॉन्जुगेट वैक्सीन उसको अप्रूवल दे दिया है सो दिस सीरम इंस्टीट्यूट हैज डन द ट्रायल्स फॉर दिस वैक्सीन इसका नाम है न्यूमोकोकल पोलीसेकर वैक्सीन ओके तो न्यूमोकोकल न्यूमोकोकल और पोली सेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन ऑफ इंडिया दिस हैज़ बिन गिवन अप्रूवल बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ओके सीरम इंस्टीट्यूट हैज गिवन हैज़ मेड दिस वैक्सीन न्यूमोकोकल पोली सेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल दे दिया गया है ठीक है यह आप इंपॉर्टेंट है याद रख सकते हैं इसको दिस इज़ समिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं अशोक लवासा हैज बीन अपॉइंटेड द वीपी ऑफ एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का वीपी अपॉइंट किया गया है अशोक लवासा को ही हैज बीन गिवन दिस पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट इस बार के लिए एंड ही इज द इलेक्शन कमिश्नर हु वाज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे एट प्रेजेंट ही इज द इलेक्शन कमिश्नर एंड ही विल बी गिवन दिस पोस्ट ऑफ वीपी फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हैडक्वार्टर है वो मनीला में है याद रखिएगा एशियन

गवर्नमेंट नॉट फॉर अर्जेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट तो अब गवर्नमेंट ने नॉट दे दी है आर्मी को फॉर द अर्जेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट तो अगर आपको अर्जेंटली कोई चीज चाहिए तो 300 करोड़ तक के अर्जेंट प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी है कि आप बिना किसी फर्दर क्लियरेंस के आप कट uh, शॉर्ट कर सकते हो प्रोक्योरमेंट साइकिल को डिफेंस मिनिस्ट्री ने इतनी परमिशन दे दी है किसको एमरजेंसी पावर दे दी है आर्म फोर्स को टू प्रोक्योर द वेपन सिस्टम्स ऑफ कॉस्ट अपट रुपीज थ्री करोड़ तो तीन करोड़ तक का कर सकते हैं आर्मी ने ऑलरेडी इस पावर का यूज करते हुए ये सिग 716 सिग 716 जो असोल्ट राइफल है 716 हंड्रेड राइफल सिग सुअर सिग सॉर यू की कंपनी है सिग सॉर यू की कंपनी है वहाँ से इन्होंने 716 हंड्रेड सिक्सटीन असोल्ट सिक्स सेवन राइफल्स का प्रोक्योरमेंट कर दिया है इसके अलावा 250 फिफ्टी मिसाइल ऑफ द स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड गाइडेड मिसाइल मिसाइल स्पाइक एंटी टैंक इसराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपन इसराइल से ले रहे हैं तो ये इन्होंने यह पावर का यूज करते हुए कर लिया सो दिस इज द थिंग दिच इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एडिटोरियल में आते हैं पहला जो एडिटोरियल है वो है इन्फ्लेशन अलर्ट ऑन राइजिंग प्राइजेज इन्फ्लेशन अलर्ट ऑन राइजिंग प्राइजेस तो ये जो आर्टिकल है ये आपका जीएस थ्री का टॉपिक है इंडियन इकॉनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एंड एम्प्लॉयमेंट इंडियन इकॉमी का टॉपिक है जीएस uh, थ्री का पोर्शन है इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबालाइजेशन ऑफ रिसोर्स ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले इसमें ऑथर ने इन्फ्लेशन का स्टेटस दिया है तो ऑथर ने कहा है जो फूड आइटम्स हैं उनका इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है 7.3 परसेंट पे चल रहा है दैट हैज बीन द केस विद प्रोटीन सोर्सेज ऑफ पल्स एंड प्रोडक्ट्स सर्जिंग टू 16.7 परसेंट मीट एंड फिश में आपका जो इन्फ्लेशन है वो 16.2 पॉइंट पहुंच गया है और ये आपका मिल्क एंड डेरिवेटर्स में एट पहुंच गया है केवल वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रोअर्स का काफी कम चल रहा है इन्फ्लेशन क्यों क्योंकि उन्होंने पैनिक सेलिंग कर दी थी बीच में उन्होंने पैनिक सेलिंग कर दी थी बहुत मार्जिनल गेन पे तो उन्होंने पैनिक सेलिंग कर दी थी इस कारण से उसमें इन्फ्लेशन बहुत कम है ठीक है ना तो ये एक चीज है तो ऑथर ने कहा है कि ठीक है इन्फ्लेशन uh, अभी इतना चल रहा है लेकिन जो मानसून है वो ठीक होगा इस कारण से फ्यूचर में ऐसा प्रडिक्शन है कि ये थोड़ा कम हो सकता है लेकिन इसको काउंटर कर रहा है जो ऑयल एंड वो है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में अगर हम देखें पेट्रोल डीजल के प्राइजेस जंप कर रहे हैं सेवन पॉइंट वन परसेंट का इन्होंने जंप अभी रिसेंटली दिखाया है इस कारण से अगर ग्रोथ होगी इनके प्राइजेस में तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बढ़ने के कारण होगी अब ऑथर ने यहाँ पर एक सीनारियो दिया है कि हो क्या रहा है कि स्टील कंपनीज कर कह रही हैं कि वो अपने प्राइजेस को रेज करेंगी ओके okay? दूसरी चीज जो कंपनीज हैं वो जॉब कट भी कर रही हैं देखो दो चीजें अब दो मतलब कि अपोजिट चीजें हो रही हैं एक तो जॉब कट्स हो रहे हैं जॉब डिक्रीज हो रहे हैं दूसरा आपका प्राइजेस इंक्रीज कर रही हैं कंपनियां है। जॉब भी कट कर रहे हैं प्राइज न... अब जब जॉब कट करेंगे तो कंजम्पशन रिड्यूस होगा देखो कितनी दो अलग अलग चीज़ों जॉब कट होगा तो हाउस होल्ड के पास पैसा कम रहेगा तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा प्राइजेस इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन होगा मतलब ग्रोथ भी कम होगी और प्राइजेस भी इंक्रीज होगी और ये जो कंडीशन होती है कम ग्रोथ की जब इंप्लॉयमेंट भी घटता है मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें इंप्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा हो और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होता है तो वो कंडीशन कहलाती है स्टैग की। वो इन्फ्लेशन की कंडीशन कहलाती है तो ऑथर ने यही बोला कि इस चीज से हमको बचने की कोशिश करनी पड़ेगी अब हम आते हैं लीड एडिटोरियल्स में आते हैं ठीक है ना ये हमने देख लिया ओके okay. सो इंडिया शुड बिलीव इन ईयू, इंडिया शुड बिलीव इन ईयू। अब ये आर्टिकल जो है जीएस टू का इंटरनेशनल नेबरहुड रिलेशनशिप्स के ऊपर है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है ये और जीएस टू का टॉपिक है इंडिया शुड बिलीव इन ईयू। यू यहाँ पर दो ही बातें की गई हैं बेसिकली बात ये चल रही है कि एक तो इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो ई इज़ इंडियाज फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर ई इज इंडियाज फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड बिगेस्ट फॉरन इन्वेस्टर सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन बिलियन यूरो वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन टू थाउजेंड एटीन तो 67.7 यूरो बिलियन का uh, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इक्वल टू 22 परसेंट ऑफ द टोटल एफ डी आई इंडिया में जितना एफ आ रहा है उसका 22 परसेंट तो यू से आ रहा है लेकिन देर इज स्टिल रूम फॉर मोर इंप्रूवमेंट ये आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो रहा है मतलब वही वाली बात है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है लेकिन और ज़्यादा रूम है वहाँ पर और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ओके okay? दूसरी चीज अगर आप देखो तो इन्हांस्ड बिजनेस कोऑपरेशन कैन हेल्प बोथ द ईयू एंड इंडिया डाइवर्सिफाई द स्ट्रैटेजिक वैल्यू चेन तो दोनों को मदद मिलेगी ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री को मदद मिलने वाली है तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिसमें कि मतलब कि आप कोलैबोरेट होते हैं कोलैब कोऑपरेट करते हैं तो इससे दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा न केवल यू को बल्कि आपके इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा दूसरी चीज़ ओर ये भी कही कि अगर आपको काउंटर करना है चाइना को तो आपको इस तरीके की पार्टनरशिप्स की जरूरत भी पड़ेगी तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्टेटस आपके लिए क्वेश्चन है कि वाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया ई यू रिलेशन

इनोवेटिव इनोवेटिव इनोवेशन के साथ ग्रोथ पे ध्यान दें सस्टेनेबल ग्रोथ पे और इंक्लूसिव ग्रोथ पे दोनों इंडिया ई दोनों ग्रोथ पे ध्यान दें फिर ऑथर ने कहा है कि एफटीए का निगोशिएशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए बहुत सालों से पेंडिंग है दस बारह साल हो गए तो उतना देर तक पेंडिंग पेंडिंग नहीं रखना चाहिए जियो टर्म्स में उन्होंने कहा कि एक जो एक जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना बढ़ा रहा है लेवरेज उसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इस तरीके से जो अपनी अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा और वो कब होगा जब हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ

तो इसकी जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि इट इज़ अ प्रोफेशन इन क्राइसिस आर्किटेक्चर के प्रोफेशन के बारे में आर्टिकल लिखा गया है विच इज इन क्राइसिस लेकिन जो सोल्यूशन है इट डज़ नॉट लाई इन प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर प्रोफेशन हुआ क्या था आर्किटेक्चर वाले जो थे उन्होंने इंजीनियर्स के ऊपर ये बोला कि इंजीनियर्स उनके डोमेन में इंटर कर रहे हैं इंजीनियर्स उनके डोमेन में इंटर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स के बीच में जो ये लड़ाई थी उसमें एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा ये ट्विन प्रोफेशन है ट्विन प्रोफेशन है इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर का लेकिन इंजीनियर्स के रिले रिलीफ उन्होंने ये किया कि आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट्स डू नॉट होल्ड मोनोपोली ओवर आर्किटेक्चरल सर्विसेज एंड दैट इंजीनियर्स एंड अदर कुड फ्रीली ऑफर देम तो इंजीनियर्स अगर चाहें तो वो आर्किटेक्चरल सर्विसेज फ्रीली ऑफर कर सकते हैं दूसरी चीज उन्होंने आर्किटेक्ट्स को यह बोला कि केवल वही कैंडिडेट खुद को आर्किटेक्ट कह पाएंगे हु आर रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि मेन बॉडी है आर्किटेक्ट्स की काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं स्टेट्यूटरी बॉडी है तो वही अपने आप को कॉल कह पाएंगे आर्किटेक्ट कह पाएंगे ठीक है ना ये दोनों के लिए उन्होंने जजमेंट दिया अब ऑथर ने यहाँ पे कुछ आर्किटेक्ट्स के फियर बताएंगे क्या डर है आर्किटेक्ट्स को पहला डर तो ये कि उनका जो क्लाइंट बेस है बहुत लिमिटेड है ऐसा नहीं कि बहुत लोग आर्किटेक्ट्स की सर्विसेज लेते हैं बहुत कम लोग आर्किटेक्ट्स की सर्विसेज लेते हैं ठीक है ना गवर्नमेंट जो कि वन तो लार्जेस्ट बिल्डर्स है आईटी सेक्टर में सब में दे हैव और अनफॉर्चुनेटली नॉट सपोर्टेड द बेस्ट डिजाइन प्रैक्टिस उन्होंने खुद बेस्ट डिजाइन प्रैक्टिस को सपोर्ट नहीं किया है ठीक है ना तो ये कंस्टेंट्स है कि आर्किटेक्ट को यह लगता है कि अगर वो अपने अपने प्रोफेशन को रिंगफेंस कर देंगे मतलब कि उसमें किसी और की एंट्री ना होने दे तो उनको ज्यादा अच्छा रहेगा अब थोड़ा एक हिस्ट्री बता देता हूँ कि नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में आर्किटेक्ट्स ऑर्गेनाइज दमसेस उन्नीस सौ उनतीस में जाकर आर्किटेक्ट्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया इंटू प्रोफेशनल ग्रुप और तब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट आई आई ए जिसमें कि एक सौ अट्ठावन मेंबर्स थे दैट इंस ड बाय द पासिंग ऑफ आर्किटेक्ट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट इन 1931 इन इंग्लैंड इंग्लैंड में पास हुआ था आर्किटेक्ट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1931 में उससे इंस्पायर होकर कि ये आई आई ए आया था जिन्होंने ये कहा कि हमको खुद का एक्ट चाहिए और ये सब जितनी बात करने के बाद नाइनटीन सिक्सटी एट में जाकर के बिल आया और एक्ट जो है वो नाइनटीन सेवनटी टू में आ पाया तो नाइनटीन ट्वेंटी नाइन से हुए जो प्रयास थे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है उसके प्रयास शुरू हुए तब जाके नाइनटीन सेवनटी टू में इनको खुद का एक एक्ट एक 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 मिल पाया अब कंसर्न्स क्या है जो आर्किटेक्ट की फील्ड से रिलेटेड कंसर्न्स हैं पहला कंसर्न है दैट देर इज अ लिमिटेड अटेडेंसी ऑफ गुड डिजाइन मतलब कि एक तो गुड डिजाइन का स्कोप कम है दूसरा जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो ऑथर ने यहाँ पर कहा कि द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज टू कंस्ट्रक्ट एग्जेपुलर बिल्डिंग्स जितना ज्यादा आप एग्जेपुलर बिल्डिंग्स बनाओगे उतना ज्यादा आपका नाम होगा और उतनी ज्यादा लोग आपकी सर्विसेज लेने की कोशिश करेंगे दूसरी चीज द सेकेंड इशू इज द प्रोफेशनल डिमिनिशिंग अपील एज यंग टैलेंट्स ओके यंग टैलेंट्स क्योंकि उनको

अगला जो इशू है वो ये है कि फेलियर ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी जो इनकी प्रोफेशनल बॉडी है यानी कि जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है वो बहुत प्रोफेशनली काम नहीं कर रही है दूसरी जो बॉडीज़ हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ का, का काम करती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम करती हैं और बहुत सारे सर्वेस करते रहते हैं ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं ऑलरेडी सर्वे कर रहे हैं कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं तो इससे क्या होता रहता है कि उनको एक नंबर मिलता रहता है वो वर्क करते हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़ जाए जॉब में वो हो तो ये सारे काम वो करते रहते हैं बट यहाँ जो काउंसिल ऑफ़ आर्किटेक्चर है जो स्टेट्यूटरी बॉडी है आर्किटेक्ट्स के लिए वो ऐसे काम नहीं करती है तो ये कुछ इशूज हैं जो कि है है कि तो कि इन वर्किंग ऑफ दिस इन रीजन से काम करो ना किस करने की कोशिश करो अगर आप अच्छा काम करोगे तो सब आपको काम देने लगेंगे और आपकी वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाएगी तो आप एग्जाम्पलर बिल्डिंग्स बनाते रहो और आपकी उसी से कवत होगी ठीक है ना तो ये तीन आर्टिकल तो हमने देख लिए। चौथा आर्टिकल इट्स टाइम टू फ्लैट इन द पैंडेमिक स्टीरियो अब ऑथर ने कहा है कि एक समय आ गया है कि हम पैंडेमिक स्टीरियो को रोक दें स्टीरियो का मतलब क्या होता है किसी व्यक्ति को पहले से ही कुछ टैग लगा देना कोरोना के टाइम में एक टैग चला है सुपर स्प्रेडर का सुपर स्प्रेडर कुछ लोगों को कुछ कम्युनिटीज को और कुछ प्रोफेशन uh, के लोगों को सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है मतलब कि वो पहले ही दिमाग में भ्रांति बना लेते हैं कि ये व्यक्ति से कोरोना फैलेगा ठीक है ना और ये जो ग्रुप्स हैं इनमें ये रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट वलरेबल कैटेगरीज ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी की बहुत वलनेबल कैटेगरीज को ऐसा सुपर स्प्रेडर बोला जा रहा है तो ये जी एस का टॉपिक है जिसमें पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज सोशल डायवर्सिटी वाला ये टॉपिक है जी एस का टॉपिक पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज सोशल डाइवर्सिटी का ये टॉपिक है अब ये सुपर स्प्रेडर क्या है इसका मतलब कि एक इंडिविजुअल हु ट्रांसमिट्स इन्फेक्शन टू मेनी अदर देन इज टिपिकल ओके तो बाकी बहुत सारे लोगों को जो फैला रहा हो उसको सुपर स्प्रेडर बोलते हैं ठीक है ना अब ये माना जाता है कि 80% परसेंट ऑफ द इफेक्शन इन अ पॉपुलेशन आर ट्रांसमिटेड बाई ट्वेंटी परसेंट ऑफ दोज इन्फेक्टेड अस्सी परसेंट लोगों को वो इन्फेक्ट कर रहे हैं केवल 20% परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्फेक्टिंग द 80% परसेंट रेस्ट एटी परसेंट इसको ट्वेंटी एट्टी रूल कहा जाता है ट्वेंटी एटी रूल बोलते हैं इसको ट्वेंटी एटी रूल की बीस परसेंट लोग अस्सी परसेंट को कर रहे हैं अब इसके अंदर कौन कौन से लोग इस ग्रुप में आ रहे हैं जो अभी कोविड नाइन्टीन के टाइम में है तो इसमें उसमें तबली, तबलीगी जमात

तो ये जो लेबलिंग होती है इससे एक निगेटिव स्टीरो होती है वो डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है दैट लीड्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ठीक है ना हॉवर्ड बेकर ने बुक में 1963 में कहा था कि दिस कैन लीड टू स्टीरो टाइपिंग ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन ओवर सिंप्लीफाइड इमेजेस तो ये हॉवर्ड बेकर ने 1963 में कह दिया था कि ये निगेटिव स्टीरो टाइपिंग जो होती है ये आ जाती है एक सोसाइटी से लोगों को अलग करने लगती है एग्जाम्पल ऐसे कि वेजिटेबल वेंडर्स आर लेवल्ड वाइडली एज सुपर स्प्रेडर एंड आई दिस इमेज इज एसोसिएटेड विद ए स्टीरो टाइप अब होता क्या है कि जब ऐसा किसी को आप कह देते हो तो उस व्यक्ति को आप उसकी सर्विसेज से नहीं जानते हो आप उसकी इमेज से जानते हो एज अ वेजिटेबल वेंडर तो आप उसको वेजिटेबल वेंडर की सर्विसेज से नहीं देखोगे कि वो सब्जी दे रहा है आप उसको बोलो तो ये फैलाने वाला है ऐसा ऐसा आप बोलने लगोगे देखिए टाइपिंग हो जाती है रिसर्च ऑल्सो शोज दैट मीडिया प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग दिस सुपर स्प्रेडर और ये जो बिलीफ्स हैं इनको फैलाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है जैसे स्टार्टिंग में तबिलगीज़ के अगेंस्ट जो तबिलगी जमात में लोग बैठे थे उनके अगेंस्ट जब स्टीडियो टाइपिंग शुरू हुई तो सबको इसी निगाह से देखा जाने लगा कि जितने भी लोग उस रिलीजन को फॉलो करते किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं वो इस तरीके के लोग हैं ऐसा तो ये जो स्टीडियो टाइपिंग है ये बिल्कुल गलत होती है ऐसा नहीं करना चाहिए एक व्यक्ति से आप सबको नहीं डिसाइड कर सकते यू शुड नॉट क्रिएट अ इमेज इन यूर मेंटल वो ठीक है ना इनफैक्ट दादरा नगर हवेली ने तो ये तक कह दिया कि जो वेजिटेबल वेंडर्स थे गुजरात से जो आ रहे थे उनको एंट्री नहीं दी उन्होंने ये बोला कि ये जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं सुपर स्प्रेडर्स हैं यही जैसे आपके माइग्रेंट लेबर्स हैं इनको भी सुपर स्प्रेडर ही माना मनाया कि जो माइग्रेंट लेबर मुंबई से आए हैं ये सारे सुपर स्प्रेडर्स हैं ठीक है ना तो वॉट आर द कंसिक्वेंसिस ऑफ दिस निगेटिव स्टूरियो टाइपिंग द कंसिक्वेंसिस आर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन निगेटिव स्टूरियो टाइपिंग निगेटिव एटीट्यूड ये सारे इसका बेसिकली एग्रेशन इवन एग्रेशन तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस नेगेटिव स्टीडियो टाइपिंग के ठीक है ना तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऑथर ने कहा कि दीज ग्रुप्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट वेलरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड इसको खत्म करने के लिए सबसे बड़ा रोल है वो गवर्नमेंट ही प्ले कर सकती है इवन ओनली द गवर्नमेंट कैन प्ले आर इंपॉर्टेंट रोल इन अवॉइडिंग दिस थिंग एंड ये निगेटिव स्टीडियो टाइपिंग उसको एंड करने का काम गवर्नमेंट कर सकती है तो दिस वॉज द आर्टिकल अबाउट फ्लैटनिंग द निगेटिव स्टीडियो टाइपिंग विच वॉज देयर हैपनिंग इन द पेंडेमिक टाइम ओके लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है चाइनाज पोस्ट कोविड एग्रेशन इज रीशेपिंग एशिया ये है आपका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक जी टू का टॉपिक है जी टू का इंडिया एंड द इंटर नेबरहुड प्लस आपका इसमें एक और है कि व्हाट आर द फॉरेन पॉलिसीज विच आर इफेक्टिंग इंडिया और इफ़ेक्टिंग इंडिया तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक जी टू का टॉपिक हो जाएगा इसको आप याद रखिएगा ना चाइना आप सबको पता है कि कोविड नाइन्टीन के बाद बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया चाहे वो साउथ चाइना सी के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी बताने वाली बात हो चाहे ईरान के साथ इस तरीके से उसने डील कर लेना चाबहार पोर्ट चाबहार रेलवे लाइन्स इंडिया का वो बाहर हो जाना ये सारी चीज़ें जो है दे आर रीशेपिंग द एशिया बहुत रिशेप कर रहा है खुद को. अपने फ्रेंडशिप और यह सारी चीजें बदलता जा रहा है ठीक है ना जैसे कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग की एक नई डील मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट की डील की वर्चुअल समिट में देन क्वाड ग्रुप आप सबको बताया इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएसए का ग्रुप है जिसको एक्सपैंड किया जा रहा है और

एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखो यहां पे है चाइनीज साइबर बुलिंग ऑफ द थाई फिल्म स्टार स्पॉन्ड अलायंस अब याद रखेगा यह टर्म्क टी अलायस मिल्क टी अलाय आफ्टर पॉपुलर वेवरेज टू फोर्ज सॉलिडी बिटवीन ताइवानी हॉगकॉन्गर्स एंड साउथ ईस्ट एशियन ऑनलाइन साउथ ईस्ट एशियो है वो ताइवानीज और हॉन्गक के साथ मिलकर के एक बढ़िया ग्रुपिंग फॉर्ज कर रहे हैं जिसको मिल्क टी अलायस कहा जा रहा they है ना ये साइबर बुलिंग जो चाइना कर रहा है उसके बाद से यह हुआ है और ताइवान और

ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म था जो करेंसी स्वैपिंग का था फाइनेंशियल स्वैपिंग का था चाइना जापान साउथ कोरिया साउथ ईस्ट एशिया में यह आया था जब नाइनटीन नाइन्टीज में फाइनेंशियल क्राइसिस क्राइसिस आई थी तो चियांग माई इनिशिएटिव बोलते हैं इसके अलावा आसियान बन गया था नाइनटीन में लेकिन तब तक इन्होंने पहली मीटिंग कन्वीन नहीं की थी हेड्स की जब तक नाइनटीनिक्स में साइगन का फॉल नहीं होता फॉल ऑफ द साइगन इन नाइनटीन तब तक ये इन्होंने पहली मीटिंग नहीं की तो ये हमेशा क्राइसिस में ही आगे आते हैं अब ऑथर ने अमेरिका का एंगल बताया है कि अमेरिका का एंगल एक नया सीरियसनेस क्रिएट कर रहा है क्यों क्योंकि एक तो अमेरिका का जो सुप्रीमेसी था वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है दूसरा चाइना अपनी हेजमो स्टैब्लिश करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ठीक है तो यूएसए इस कारण से बहुत ज्यादा परेशान है एंड यूएसए वॉन्ट्स टू इम्प्रूव इम्प्रूव करने के लिए उसको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी ऑथर ने कहा है दो सजेशन यूएसए को भी दिए हैं पहला ये कि यूएसए को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा एंड उसको सपोर्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा रादर देन डोमिनेटिंग तो इंस्टेड ऑफ

वो अपने नेबर्स को भी थोड़ा कोर्स करता है ठीक है ना तो उसकी जो वोल्फ वॉर वॉरियर डिप्लोमेसी रहती है उसकी डिप्लोमेसी को वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी बोला जाता है ठीक है ना वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी अगर आपसे कहीं पूछे कि वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज रिलेटेड टू विच कंट्री तो ये चाइना के लिए टर्म यूज होता है तो यूएसए को क्या करना चाहिए कि अपने जो अलायंसेज है चाइना के अगेंस्ट उनको बढ़ाए और वो जो चाइना गलती कर रहा है उसको सबके सामने लेकर के आए ठीक है ना तो यूएसए और चाइना की जो राइवलरी है वो बिल्कुल सामने क्लियर कट आ गई है और एशिया कंट्रीज टू दे हैव अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग ओन रीजनल नेटवर्क तो अब ये अपॉर्चुनिटी है कि एशियन कंट्रीज के पास साउथ एशियन कंट्रीज के पास कि अपनी रीजनल जो ग्रुपिंग उसको है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए और चाइना के अगेंस्ट इस तरह से खड़े कि जो कंपटीशन रहे वो इस तरीके से ना रहे कि वो पहले ही इससे बाहर हो जाए ठीक है ना तो ये ट्रेंड हमको आगे बढ़ाना चाहिए और अमेरिका को एशियन लीडर्स uh, के साथ मिल करके ये करना चाहिए कि एक अच्छी ग्रुपिंग स्ट्रांग कोऑर्डिनेटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि जो रिस्क है पीछे छूटने का वो रिस्क ना रहे तो दैट इज़ इट फ्रॉम द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक अर वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे